कहीं आप ये मिस आउट तो नहीं कर रहे? सफलता पाने के लिए इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स सक्सेस। अगर आपको ये नहीं है ना, तो आप सफल नहीं हो पाओगे। गेस व्हाट? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, गेटिंग एन आंसर टू द क्वेश्चन हु एम आई। यारो, ये जो तीन वर्ड्स का है ना, हु एम आई, ये कहने में बहुत छोटा है, बहुत आसान है कहना इसको, लेकिन अगर हम इनडेप्थ इसको स्टडी करें ना, तो इसका आंसर देना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन नॉट टू वरी, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको मदद करने वाले हैं कि कितने आसान तरीके से आप खुद को जान सकते हैं, कितने आसान तरीके से आप खुद को पहचान सकते हैं। तो टेक्निक्स को समझने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सो हियर वी गो। पहले हम सेल्फ अवेयरनेस को समझते हैं, यानी मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। तो जब तक मुझे ये नहीं पता कि एक्चुअली मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, मेरे अंदर क्या वीक एरियाज है, तब तक मैं आसानी से आगे नहीं बढ़ पाऊँ। तो हमें खुद को जानना, खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हु एम आई, यानी टू नो योरसेल्फ, इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। तो आज हम डीप इंसाइट करने वाले हैं, डीप ऑनेस्टी से आपने खुद को सारे जवाब देने हैं, बिकॉज आपकी सफलता आप पर निर्भर करती है। सो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। सो सबसे पहली टेक्निक है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मीन्स S stands for strengths, W stands for weaknesses, O stands for opportunities and T stands for threats. चलिए मैं इसको और elaborate करती हूँ। S stands for strength means कि आपने figure out करना है कि आपकी क्या strengths हैं, आपकी क्या positive qualities हैं, कौन से काम को आप आसानी से कर सकते हो, लोग क्या कहते हैं कि कौन सा काम आप बहुत ही आसानी से कर पाते हो, आपको किस काम को करने में बहुत मजा आता है। सो आपने ये फिगर आउट करना है, ये सारे आपके स्ट्रेंथ हैं। देन वीकनेसेस मींस कि आपके वीक एरियाज क्या क्या हैं। मे बी आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इन मैथ्स, या मे बी आपको लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी बेटर नहीं है, मे बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मे बी आपको लगता है कि यार इस पर्टिकुलर चीज को करने में मुझे बहुत डिफिकल्टी आती है। सो ये सब आपके क्या है, वीक एरियाज हैं। या दूसरों को क्या लगता है कि ये काम आप आसानी से नहीं कर सकते हो, तो आपने वो आइडेंटिफाई करना है, वो सब आपके वीक एरियाज हैं, राइट। देन ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज मीन्स एनवायरमेंट में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनका आप बेनिफिट ले सकते हो। मीन्स कि आपकी उस पर्टिकुलर चीज को एनहांस करने के लिए, अपने पर्टिकुलर वीक एरियाज को एनहांस करने के लिए, और मे बी अपनी ग्रोथ के लिए आप कौन कौन सी ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकते हो, क्या क्या रिसोर्सेज आप यूटिलाइज कर सकते हो, एनवायरमेंट में ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी आप मदद ले सकते हो, इवन इफ यू हैव गुड यू नो फाइनेंस ऑल्सो, वो भी एक आपका सपोर्ट है। अगर आपको लगता है आपकी सपोर्टिव फैमिली है, तो वो भी एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। सो यू नीड टू फिगर दैट आउट कि एनवायरमेंट में ऐसी क्या चीजें हैं जो आपकी ग्रोथ में आपको मदद कर सकती हैं। सो दैट इज अपॉर्चुनिटीज। एंड देन कम थ्रेट्स। थ्रेट मीन्स कि क्या क्या चीजें हैं जिनसे आपको डर लगता है, जो आपको लगता है कि ऑब्स्टिकल बनकर आपके आगे आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, या आपको लगता है कि आपके पास ये रिसोर्सेज नहीं है। तो ये सारे आपके थ्रेट्स हैं जिनसे आपको डर लग रहा है, और आपको लग रहा है कि इनकी वजह से कहीं ना कहीं सक्सेस आपकी जो है वो लूज हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने अपना स्वॉट एनालिसिस आज करना है। रात को बैठे 2 घंटे का टाइम अपने आप के साथ दें। आज हम दूसरों से तो बहुत बातें करते हैं, आज वक्त है खुद के साथ बात करने का, खुद के साथ यू नो इंटरैक्ट करने का, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करने। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपकी डिजायर्ड स्टेट क्या है। डिजायर्ड स्टेट मींस कि आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हो। काश मेरा घर ऐसा हो, काश मैं इतना अर्न करूं, काश मेरे पास ये गाड़ी हो, काश 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 काश, ये काश की लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती है। सो यू हैव टू क्रिएट योर डिजायर्ड सेल्फ कि आप अपने आप को आइडियल सेल्फ में कैसे देखते हो, कि मैं ऐसी हूं। तो फ्यूचर जो आपकी खुद की इमेज आप चाहते हो, दैट इज योर डिजायर्ड सेल्फ। तो आपने फिगर आउट करना है एग्जैक्टली 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ आप खुद को कैसा देखना चाहते हो, 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो। मीन्स आज जो डेट है, 10 साल बाद आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हो। आज आपने 10 साल आगे पहुंचकर अपने आप को आइडेंटिफाई करना है, फिगर आउट करना है, वो सारा आपका डिजायर्ड स्टेट है। ऑलराइट। देन प्रेजेंट स्टेट मींस कि आपकी प्रेजेंट स्टेट, आपकी करंट स्टेट क्या है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट।
एंड देन जब आपके पास प्रेजेंट स्टेट भी आ गई, आपकी डिजायर्ड स्टेट भी आ गई, दिस इज योर प्रेजेंट स्टेट यानी दिस इज योर रियल स्टेट एंड दिस इज योर डिजायर्ड स्टेट यानी कि योर आइडियल स्टेट। नाउ आपने क्या करना है, जब आपको ये दोनों स्टेट पता होंगी तभी आप अपनी प्रेजेंट स्टेट से अपने डिजायर्ड स्टेट पर आसानी से जा पाओगे। इट मींस आपको पता है कि दिस इज माय प्रेजेंट स्टेट, दिस इज माय डिजायर्ड स्टेट, सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट आई नीड टू टेक टू गो फ्रॉम हियर टू देयर। तब आपके लिए स्टेप्स को बनाना बहुत आसान हो जाएगा बिकॉज दोनों चीजों पर आप अवेयर हो कि आपकी करंट स्टेट क्या है और आप कहां तक पहुंचना चाहते हो और उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स को अचीव करना है, अटेन करना है, सो दैट आप अपनी डिजायर्ड स्टेट पर आसानी से पहुंच पाओ। अब एक बड़ी मजेदार टास्क जो आपने करना है वो है यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर डिजायर्ड सेल्फ। डिजायर्ड सेल्फ मींस कि आप अपने आप को जैसा देखना चाहते हो आप उसको एक लेटर लिखोगे, लेटर ऑफ कंग्रेचुलेशन फ्रॉम योर रियल सेल्फ। सो आप कैसे लिखेंगे, जो जो भी आपने चीज अचीव कर ली है, जो आप करना चाहते हैं, आप प्रेजेंट में महसूस करेंगे कि वो सारी आपने डिजायर्ड सेल्फ में अचीव कर लिया है, तो आप अपने प्रेजेंट स्टेट से लेटर ऑफ कंग्रेचुलेशन अपने डिजायर्ड सेल्फ को लिखोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू desire Dr. Komalpreet, I'm very happy to see that you have achieved this और आपने ये सारे obstacles भी बहुत ही आसानी से overcome कर लिए हैं। आपकी progress को देखकर मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने इतनी सारी सफलता को हासिल कर लिया है, कैसे आपने अपनी blockages को remove किया है और आज आप successfully इतना particular amount को enjoy कर रहे हो, earn कर रहे हो, तो I'm so happy to see your progress। तो इस तरीके से आपने एक लेटर डिजायर्ड सेल्फ को लिखना है। सो टू डिजायर्ड डॉक्टर कोमलप्रीत आपका पूरा लेटर रहेगा फ्रॉम योर रियल कोमलप्रीत। तो इस तरीके से आपने अपने डिजायर्ड सेल्फ को एक लेटर लिखना है। सो नाउ लेट्स गिव अ क्विक रिकैप। सबसे पहले आपने स्वॉट एनालिसिस करना है यानी अपनी करंट सिचुएशन को आपने आइडेंटिफाई करना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है, तो आपने अपनी करंट स्टेट को आइडेंटिफाई करना है। देन सेकेंड आपने अपनी डिजायर्ड स्टेट यानी आप क्या चाहते हो उसको आपने आइडेंटिफाई करना है, करंट स्टेट आपने आइडेंटिफाई करना है, देन ओनली यू विल बी एबल टू यू नो टेक स्टेप्स सो दैट यू कैन मूव फ्रॉम हियर टू देयर। तो जब आपके ये दोनों स्टेट्स आपको पता होंगी तभी आप यहाँ से यहाँ मूव करने के स्टेप्स को बना पाओगे। तो आपने उसके बाद अपनी डिजायर्ड स्टेट और अपनी प्रेजेंट स्टेट को आइडेंटिफाई करना है सही ढंग से। एंड देन आपने क्या करना है, अपने डिजायर्ड सेल्फ को एक कंग्रेचुलेशन का लेटर लिखना है कि भाई तुम ये सारी सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर चुके हो, इस सारी सारी चीज़ों को अचीव कर चुके हो, ये सारे ऑब्स्टेकल्स को आप अचीव कर चुके हो सक्सेसफुली, सो इसके लिए तुम्हें हार्दिक दिल से बधाइयां। तो आपने ये सारी टेक्निक्स को फॉलो करना है, आप देखेंगे आपकी अवेयरनेस जो है वो एनहांस हो जाएगी और आप अपनी सफलता की पहली सीढ़ी को सक्सेसफुली पार कर जाओगे। तो फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन सी टेक्निक के साथ आप ज़्यादा रिलेट कर पाए हैं और कौन सी टेक्निक को आप आज ही फॉलो करने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सो दैट ऐसा पावरफुल कंटेंट आप तक आसानी से और जल्दी पहुँच पाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट।